इज्विज कंपनी का H8C मॉडल भाई। लोग इस कैमरा के सामने भाई कोई भी फुल एचडी कैमरा हो सब पानी कम चाहे हैं। इसका है 2K+ रेजोल्यूशन, यानी कि क्वालिटी इतनी अच्छी है ना आप सोच भी नहीं सकते। आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। वाईफाई कैमरा है, इज्विज कंपनी का, यानी कि हिकविजन कंपनी का है। इसके सारे फीचर्स, सारी फुल डिटेल, सबसे कम प्राइस आपके लिए इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये इज्विज कंपनी का H8C मॉडल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं आपको ना वन बाय वन इसकी कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आमतौर पर किसी भी कैमरा में नहीं है, आपने किसी कैमरा में नहीं देखे होंगे ऐसे कुछ फीचर्स हैं। अभी वन बाय वन सभी फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है 2K+ रेजोल्यूशन, यानी कि एक 2MP कैमरा होता है, 3MP होता है, ये 4MP कैमरा है और 2K+ रेजोल्यूशन के साथ है, यानी कि फुल एचडी। बस इसी कैमरा के लिए ये फुल एचडी शब्द बना है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी है इस कैमरा की। दूसरी ऑप्शन है AI पावर्ड ह्यूमन डिटेक्शन, यानी कि ये कैमरा AI इंटीग्रेटेड चिप्स लगी होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। ये ह्यूमन डिटेक्शन इसका बहुत ही जबरदस्त है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद कलर नाइट विजन, जैसे ये कैमरा बना है इसमें लाइट्स लगी होती हैं, 4 स्पॉटलाइट्स। ये रात को ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा और अगर आप इसको कलर कर सकते हो तो रात को ये आपको कलर इमेज भी देगा, ठीक है जी। इसके बाद टू वे टॉक अपनी आ जाती है कि इसमें आवाज तो रिकॉर्ड होगी, ऑडियो तो रिकॉर्ड होगी। अगर आप अपने मोबाइल से कुछ बोलोगे तो आपको कैमरा में से भी आवाज आएगी। और ऑडियो क्वालिटी भाई इसकी नॉइज कैंसलेशन एंड इको कैंसलेशन के साथ आती है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है IR नाइट विजन अप टू 30 मीटर, यानी कि 98 फीट, जो रात को ये कैमरा काम करता है ना। 30 मीटर तो ये बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर इमेज देता है। कवर तो एरिया बहुत ज्यादा करता है लेकिन 30 मीटर तक रात को बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी रहती है। इसके बाद आ जाता है वेदर प्रूफ डिजाइन, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ वेदर प्रूफ कैमरा है। बारिश के पानी से इसका कोई नुकसान नहीं होता, आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी यूज कर सकते हो। इमेज पर भी देखिए कंपनी ने कुछ ये पानी के छींटे लगा करके दिखाए हैं कि भाई इसको कुछ नहीं होता बारिश के पानी से। इसके बाद आ जाता है H.265 वीडियो कंप्रेशन। H.265 कंप्रेशन ये होता है कि जिस भी कैमरा में ये वाला ऑप्शन होता है ना उसमें आप मेमोरी कार्ड डालोगे तो आपकी जो वीडियो है जो रिकॉर्डिंग होती है वो कंप्रेस होकर के इस मेमोरी कार्ड में स्टोर होती है। उससे आपकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा दिन तक रिकॉर्डिंग की, अगर आम कैमरा कोई 10 दिन रिकॉर्ड करता है तो ये वाला 20 दिन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। तो मेमोरी कार्ड जितनी डालोगे उतना रिकॉर्ड होगा, सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग इसी कैमरा में सेव रहती है, ठीक है ना भाई। इसके बाद ऑप्शन आते हैं इजी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इसका बहुत ही इजी है, सिंपल सा ऐप है इजीविज का। अपनी आईडी बनानी है और QR कोड स्कैन करोगे चल जाएगा, मैं आपको आगे चला करके दिखाऊंगा कैसे चलता है। इसके बाद ऑप्शन आ जाती है माइक्रो SD कार्ड की। तो ये वाला कैमरा, आप इस कैमरा में 512 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि 512 GB का मेमोरी कार्ड इसमें आप डाल सकते हो भाई। रिकॉर्डिंग तो इतनी हो जाएगी कि आप खुद भूल जाओगे भाई यार इसमें 2 महीने की रिकॉर्डिंग होगी या 3 महीने की होगी। 512 GB तक का कार्ड कोई भी डाल सकते हो, 4 GB से लेकर के 4, 8, 16, 32, 64, 128, 228, 212, 512, ठीक है जी। दो फीचर कंपनी ने इस कैमरा में ऐसे दिए हैं जो आपको किसी भी आम कैमरा में नहीं मिलेंगे। नंबर वन, AI पावर्ड ह्यूमन डिटेक्शन स्मार्टर देन एवर टू डिटेक्ट मूविंग पीपल विद AI लर्निंग एल्गोरिदम। यानी कि अगर इस कैमरा के सामने कोई भी बंदा आता है इस कैमरा के सामने तो ये तुरंत डिटेक्ट करता है कि भाई कोई ना कोई कैमरा के सामने है और उसके चारों तरफ एक बॉर्डर टाइप सा बन जाता है और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी जाता है। आप अच्छे से देख सकते हो कि हाँ भाई कैमरा के सामने कोई ना कोई आ रहा है। बहुत ही ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम यूज किया गया है इसमें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देगा। अभी बात करेंगे जो इसका सबसे बेहतरीन सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो है ऑटो जूम ट्रैकिंग। ऑटो जूम ट्रैकिंग क्या होता है? When a human motion is detected, this camera will automatically rotate to track its movement and zoom into the record the activity. यानी कि मान लीजिए कैमरा के सामने कोई इंसान आ गया, ठीक है जी। कैमरा में आने के बाद वो जैसे जैसे मूव करेगा आगे जाएगा, पीछे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, जिधर भी जाएगा उधर ये कैमरा मूव करेगा और साथ ही साथ उसको जूम करेगा। जैसे कोई बंदा सामने आ गया, अभी वो दूर जा रहा है थोड़ा, तो ये जूम कर देगा उसके ऊपर कि कौन बंदा है, कैसे आया है, कहां पे जा रहा है। दाएं बाएं जा रहा है तो भी ये मूव भी करेगा और ऑटोमेटिकली ये जूम करता रहेगा। जूम आउट जूम इन इसका ऑटोमेटिकली मोड पर चलता रहेगा जैसे ही आप ऑटो ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर जो है वो ऑन कर देते हो। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी गलत बात है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और प्राइस इसका भाई बहुत ही जबरदस्त प्राइस दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं मैच नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस का।
आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको चलाकर दिखाएंगे कैमरा, फिर आपको प्राइस भी बताएंगे। आइए तो अभी कर रहे हैं हम अनबॉक्सिंग। ये एक रैपर सा लगा होता है, इसको देते हैं उतार हमारे कैमरा का। तो यहां पर भी इजविज का ब्रांडिंग होता है बॉक्स पर भी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं आपको कि हिकविजन के जो भी वाईफाई प्रोडक्ट्स आते हैं, ये हिकविजन का कैमरा ही है, हिकविजन के जो भी वाईफाई प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे आते हैं इजविज के नाम से। तो अभी इसकी अपन अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कंप्लीट। सबसे पहले ऊपर दिया गया है यूजर गाइड कैमरा का साथ में, और ऐप डाउनलोड करने के लिए भी क्यूआर कोड दिया गया है। आप अपने प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपका एंड्रॉयड फोन है चाहे आईओएस है। तो अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है कैमरा की। इसके साथ सबसे पहले हमें ये अडैप्टर मिलता है इस कैमरा को करंट देने के लिए, ठीक है जी। साथ में ये स्टैंड मिलता है इसको वॉल माउंट करने के लिए, और साथ में ये स्टिकर आता है ड्रिलिंग करने के लिए कि कहां कहां पर स्क्रू आएंगे। इसको लगाकर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा वॉल पर स्टिकर लगाओ, स्क्रू लगाओ और ये कैमरे को आप लगा सकते हो। साथ में ये आपको इथरनेट प्रोटेक्टर मिलता है। ये होता है कैमरा की जो ये वाली वायर है ना, ये कैमरा NVR से भी ऑन होता है, लेकिन अगर आप वाईफाई के थ्रू चलाओगे तो इस वायर का कोई काम नहीं है। तो इस वायर को इस प्रोटेक्टर के साथ अपन बिल्कुल ढक सकते हैं कि पानी वगैरह इस वायर के अंदर ना जाए। यह है हमारा कैमरा, आपने देख लिया। अभी आपको कैमरा के बारे में और जानकारी देते हैं। चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये हैं दो वायर्स जो कैमरा में लगी होती हैं। ये होती है इसको करंट देने के लिए, जो अडप्टर मैंने दिखाया था इसके साथ आया वहां पे लगाने के लिए, जो साथ आता है अडप्टर। और ये है इथरनेट केबल। अगर आप इस कैमरा को NVR के थ्रू चलाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर इथरनेट केबल का यूज करके लैन वायर डाल के चला सकते हो। वैसे हमारा वाईफाई कैमरा है, वाईफाई से भी अच्छे से चलेगा। अभी कैमरा की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ हिकविजन कंपनी ने, इजविज कंपनी ने दिया है। और बात करें यहाँ पे लेंस लगा होता है कैमरा का, ये 4mm का लेंस होता है, 4 megapixel कैमरा है और 4mm का लेंस लगा होता है। साथ में ये चार लाइट्स होती हैं, 1, 2, 3, 4 ये स्पॉट लाइट होती हैं जो रात को आपको कलर दिखाती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर बात करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है माइक्रो SD कार्ड। ये दो स्क्रूज आप निकाल करके यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। ऊपर ये ब्लैक कलर का एक छोटा सा बटन दिया है, इस बटन को 5 से 10 सेकंड आप प्रेस करके रखोगे तो ये कैमरा रीसेट हो जाएगा रीसेट करने के लिए। और यहाँ पर बैक साइड पर देखिए स्पीकर दिया है, जैसे ही आप मोबाइल से कुछ बोलोगे तो कैमरा में से भी आवाज आएगी। और ये कैमरा हमारा चारों तरफ मूव करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दाएं बाएं चारों तरफ। और ये भाई साहब ऑलमोस्ट 360 डिग्री ही मूव करता है कैमरा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कितना पैनारोमिक व्यू है, यहाँ पर लिखा भी होता बॉक्स पे। तो देखिए यहाँ पर 350 डिग्री पैन हो जाता है ये, यानी कि दाएं बाएं ये 350 डिग्री घूम जाता है। और साथ में है टिल्ट, 80 डिग्री ये टिल्ट होता है, ऑलमोस्ट ये 360 डिग्री देख सकता है। यहाँ पर लिखा भी है सी इन 360 डिग्री, पैनारोमिक व्यू में तो देखता ही है। वैसे भी ये चारों तरफ घूम के, अच्छे से घूम के आपको आपका जो पूरा एरिया है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे ही कोई सामने बंदा आता है तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता है। और मैंने आपको AI फीचर्स भी बताए कि ये ट्रैक करता है, जैसे ही कोई सामने से गुजरा तुरंत उसके साथ साथ ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जूम आउट और जूम इन भी करता रहेगा अपने हिसाब से। AI का मतलब ही ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट्स होते हैं वो अपने आप काम करते हैं, तो ये भी AI के थ्रू चलता है। जैसे ही कोई सामने आया उसके साथ साथ घूमेगा और उसको जूम आउट और जूम इन भी करता रहेगा कि बंदा दूर है तो आपको जूम करके दिखा देगा, आपको जूम करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जूम करेगा, ठीक है जी। अभी इसको चला करके दिखाते हैं, फिर इसके प्राइस की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर दिया है पावर अडैप्टर के साथ। अभी देखना ये अपने आप इनिशियलाइज होगा, यानी कि एक बार रोटेट होगा, इसमें से आवाज भी आएगी कि कैमरा कनेक्ट हो चुका है। अभी अपन ने क्या किया है, इस कैमरा को बिजली के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों कैमरा हमारा अपने आप जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, पूरा 360 घूमता है, देखिए पूरा बैक की तरफ घूम गया। तो अभी कैमरा को, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा कैमरा। अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे और चला करके दिखाएंगे फिर कैमरा आपको। तो दोस्तों अभी इजविज ऐप इसका आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इजविज ऐप पर सबसे पहले देखिए ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो अपन ने ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये पूछता है कि कैमरा है, डोर फोन है, वीडियो डोर बेल है या क्या है, किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो आपने कनेक्ट कर देना इसको कैमराज में, क्लिक कर देना इसको, कर देना ओके कैमरा में, ओके करके अलाउ कर देनी है सभी परमिशन। यहाँ पर देखिए QR कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है। अभी अपन जो है QR कोड स्कैन करेंगे, कैमरा की बिल्कुल बैक साइड पे QR कोड होता है, ये हम स्कैन कर देते हैं इसको।
ये QR कोड हमारा हो चुका है स्कैन, अभी डिवाइस ऐड हो रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपने अपने डिवाइस का जो पावर है वो ऑन कर दिया, सीरियल नंबर भी आ गया कैमरा का, डिवाइस इज पावर्ड ऑन, इसको करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन हमारे वाईफाई के साथ, इंडिकेटर फ्लैशेस ब्लू लाइट, यहाँ पर ब्लू लाइट आनी जरूरी है, देखिए अभी फ्लैश हो रही है ब्लू लाइट, तो यहाँ पर टिक लगा के आप नेक्स्ट कर सकते हो। इसको भी ओपन कर दो, लोकेशन को भी अलाउ कर दो। यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क का नाम पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस भी वाईफाई नेटवर्क से आप इस कैमरा को कनेक्ट कराना चाहते हो, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, गो टू सेट पे करोगे, वाईफाई ऑन करोगे, तो यहाँ पर जो भी वाईफाई कनेक्शंस हैं आपके आसपास उन सभी का नाम आ जाएगा इसमें, और जिसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो आप कनेक्ट करा सकते हो। जैसे हमारा रेडमी 12 है, हमने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया है, आप इसको मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी चला सकते हो, हमने कनेक्ट करवा दिया है मोबाइल हॉटस्पॉट से। तो यहाँ पर हमने देना है इसका पासवर्ड, जो भी अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का पासवर्ड है, तो ये हमने दिया यहाँ पे पासवर्ड, और इसको कर देना है नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट टू डिवाइस एपी, यानी कि ये डिवाइस से, ये कैमरा आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, अभी जैसे ही कनेक्ट होगा तुरंत ये कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा, और इसकी बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। 4 मेगापिक्सल का कैमरा हिकविजन ने लॉन्च किया है, जीज ने लॉन्च किया है 4mm लेंस के साथ। तो देखिए हमारा कैमरा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर हमने, तो देखिए कैमरा में से भी आवाज आती है कि वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अभी आपने यहाँ पर अपने कैमरा को कोई नाम दे देना है, जैसे अपन ऑफिस का नाम दे देते हैं, इसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सब कुछ कैमरा ने बोल दिया कि वाईफाई कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुल हो चुका है कनेक्शन हमारा, हमारा कैमरा भी ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो, डेट एंड टाइम हमारा सही आ रहा है बिल्कुल, इन्होंने मोबाइल का टाइम सिंक्रोनाइज कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो अभी कैमरा की आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप डिवाइस पर भी एक पासवर्ड लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, जैसे अपन लगा देते हैं admin@123, यहाँ पर फिर लगा देते हैं admin@123, इसके बाद करेंगे हैव मॉडिफाइड, ओके। तो अभी हमारा पासवर्ड जो है वो मॉडिफाइड हो रहा था, वीडियो पिक्चर इज इनक्रिप्टेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो यहाँ पर यही वही पासवर्ड आप डालो जो आपने दिया था, और आपका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी कैमरा हमारा हो चुका है ऑन, आपको चला करके दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। तो देखिए जी कितनी अच्छी हमारे कैमरा की पिक्चर क्वालिटी है। अभी देखो स्क्रीन पर ये कैमरा ना उल्टा दिखाई दे रहा है, अभी अपन इसको सीधा करेंगे, यानी कि कंपनी ने दोनों ऑप्शन दिए हैं, अगर आप छत में इसको कैमरा को उल्टा लगाकर लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो। तो अभी इसकी ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए जो इस स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिख रही है उसकी बात करते हैं। आप इस कैमरा को पॉज कर सकते हो, देखिए यहां से आप पॉज कर सकते हो और फिर रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन है, आप इसकी आवाज भी सुन सकते हो और इसमें अगर कुछ बोलोगे वो भी आवाज आएगी। इसके बाद यहाँ पर PTZ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको पैन एंड टिल्ट मॉनिटरिंग के लिए ये बॉक्स, एक नीचे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इससे आप इस कैमरा को रोटेट कर सकते हो। देखिए जैसे अभी अपन स्क्रीन से रोटेट कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथ इसकी रोटेशन है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तुरंत ये स्टार्ट हो जाता है रोटेट होने के लिए। देखिए अभी इसको ऊपर नीचे करके दिखाते हैं, थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे, अच्छा ऊपर तो ये पहले ये नीचे, अभी ऊपर की तरफ करते हैं। देखिए देखिए कितनी इसकी मतलब पोजीशन है, बिल्कुल इसने छत दिखा दी हमें ऊपर की तरफ। तो ये है हमारा कैमरा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं इसको फुल स्क्रीन पर देखने के लिए, तो ऐसे ये फुल स्क्रीन पर भी चल जाएगा। बहुत ही अच्छी भाई पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है यार, 4MP की भाई, बहुत ही जबरदस्त सीन है भाई पिक्चर का तो, ठीक है जी। अभी ऑप्शन आपको और इतनी अच्छी ऑप्शन बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसके बिल्कुल ऊपर राइट हैंड साइड पे सेटिंग का ऑप्शन निशान आता है, सेटिंग का साइन, उस पर क्लिक करो। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन आ गई। सबसे पहले अपन जो इमेज इसकी उल्टी आ रही थी ना उसको सीधा करते हैं। यहाँ पर आपको इमेज सेटिंग में जाना है, इमेज सेटिंग में जाने के बाद बिल्कुल नीचे ऑप्शन है फ्लिप इमेज, फ्लिप इमेज पे क्लिक करोगे तो देखिए आपकी इमेज हो चुकी है फ्लिप, उल्टी से सीधी हो चुकी है बिल्कुल इमेज। और भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसके बाद है लोगो वाटरमार्क, लोगो वाटरमार्क क्या होता है, अभी स्क्रीन पर ध्यान से देखो, बिल्कुल ऊपर की तरफ छोटा सा इजविज का लोगो आ रहा दिखा, जैसे आप इसको बंद करोगे लोगो चला जाएगा वहां से। देखिए अभी मैंने ये बंद कर दिया इसको, देखिए लोगो अभी गायब हो गया इजविज का, तो आप लोगो भी हटा सकते हो इसकी मदद से। इसके बाद OSD आ जाता है यहाँ पर, ये होता है कलर सेटिंग के लिए, या कोई ज्यादा धूप आ रही है तो इसको आप ऑन कर दो तो वो आपका जो है धूप कम हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है OSD का। OSD बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप OSD को ऑन करोगे तो कैमरा का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर इसी स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा, जैसे अभी मैं ऑन करता हूं इसको,
तो देखिए ऊपर H8C मॉडल नंबर और साथ में इसका सीरियल नंबर लिखा आ गया है, ध्यान से देखिए। अब इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। अभी ऑप्शन ऊपर दिया है वार्म लाइट ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए ये ऑप्शन दी गई है, आप इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा इससे कर सकते हो। इसके बाद भाई ये तीन ऑप्शन है, कलर नाइट विजन, ब्लैक व्हाइट नाइट विजन एंड स्मार्ट नाइट विजन। तो अभी ध्यान से सुन लो, कलर नाइट विजन क्या है, जैसे ही कलर नाइट विजन पे क्लिक कर दोगे तो ये कैमरे की लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी और ऑन ही रहेंगी, ठीक है जी। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है कि जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तो रात को ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देगा, कलर पे करोगे तो रात को ये कलर इमेज देगा। इसके बाद ऑप्शन है स्मार्ट नाइट विजन, इसमें क्या होता है कि रात को ये वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देता है पर जैसे ही इसको अंधेरा लगेगा तुरंत ये कलर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अंधेरा होगा तुरंत इसकी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी और आपको कलर इमेज देगा, क्रिस्प एंड क्लियर कलर इमेज आपके मोबाइल पे चलेगी। तो ये तो हो गई अपनी ऑप्शंस की बात, अब इसको बैक कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे पहले से चलते हैं इंटेलिजेंट डिटेक्शन। इंटेलिजेंट डिटेक्शन इसमें दो तरह का है, एक ह्यूमन शेप डिटेक्शन और इमेज चेंज डिटेक्शन। ह्यूमन शेप में क्या होता है कि जैसे कोई बंदा सामने आएगा ये तुरंत उसको डिटेक्ट करेगा और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन देगा, ठीक है जी। और साथ में है मैसेज नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपने रिसीव डिवाइस मैसेज ऑन कर लेना है तो आपको ये मैसेज आते रहेंगे कि क्या हो रहा है आपके कैमरा में। यहाँ पर आ गई ऑडियो सेटिंग, व्हेन डिसेबल बोथ लाइव व्यू और रिकॉर्ड वीडियोस विल नॉट हैव ऑडियो। तो यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा तभी इसमें से ऑडियो आएगी। तो अभी अपन ऑन कर देते हैं, देखो तो हमने ऑडियो जो है वो ऑन कर दिया है बिल्कुल, ठीक है जी। और डिवाइस वॉइस प्रॉम्प्ट है, ये है कि आप अगर आप मोबाइल से बोलोगे तो कैमरा में से आवाज आएगी, वो भी इसका ऑन है। इसके बाद ऑप्शन इमेज सेटिंग की मैंने आपको सारी बता ही दी। इसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं लाइट सेटिंग की। लाइट सेटिंग में सबसे पहले है स्पॉट लाइट सेटिंग, इससे आप लाइट को थोड़ा स्लाइट या स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है लाइट नोटिफिकेशन। लाइट नोटिफिकेशन में क्या होता है, व्हेन इनेबल्ड द कैमरा लाइट विल बी फ्लैशिंग व्हेन ह्यूमन इज डिटेक्टेड, यानी कि कोई भी सामने आएगा तो इसकी लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लैश करना स्टार्ट कर देगी। अभी अपन क्या करेंगे, लाइट नोटिफिकेशन का ये जो ऑप्शन है इसको अपन कर देंगे ऑन। तो देखिए ऐसे हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, तुरंत अपने आप ऑन होती है, अपने आप ऑफ होती है। अभी इसको कर देते हैं एक बार बंद। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है पीटीजेड सेटिंग। पीटीजेड सेटिंग में क्या है, सबसे पहली ऑप्शन है ऑटो जूम ट्रैकिंग। ऑटो जूम ट्रैकिंग में क्या होता है, जैसे जैसे बंदा कैमरा के साथ मूव करेगा तो ये भी मूव होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रमन जी जाना जरा वहां पे धीरे धीरे से। तो देखिए बंदा जो मूव हो रहा है ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, चेहरा तो आ नहीं रहा आपका। तो बंदा जैसे जैसे मूव होगा तो कैमरा भी देखिए उसके साथ साथ मूव होगा। देखिए ध्यान से कैमरा भी मूव हो रहा है साथ साथ और जूम भी कर रहा है, देखो। तो आ जाइए वापस। तो देखिए भाई जान बहुत ही अच्छा कैमरा है, थोड़ा पीछे की तरफ रहना, आपका चेहरा भी आए, आ जाओ बस बैठ जाओ आप करके। तो देखिए ये ऑटोमेटिक मूव भी होता है और आपको जूम भी करता है ऑटोमेटिक। देखिए अभी कैमरा के साथ साथ ऑटोमेटिक, इसमें AI का यही फंक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसने ऑटोमेटिक मूव हो जाना है, कैमरा सेट कर लेना है अपने आप अपने हिसाब से, ठीक है जी। इसके बाद इसकी सेटिंग थी अपनी PTZ सेटिंग में, जब जाते हैं फ्लेक्सिबल व्यू हमने आपको बता दिया कि ऑटो जूम ट्रैक करेगा। PTZ की पोजीशन आ गई है, ऑटो रोटेट भी होता है, इसको ऑटो रोटेट के थ्रू भी आप चला सकते हो। इसके बाद रिकॉर्ड लिस्ट है। रिकॉर्ड लिस्ट में क्या होता है कि जो भी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे शो करेगा, लेकिन हमने मेमोरी कार्ड नहीं डाला तो रिकॉर्डिंग हमारी नहीं हो रही है इसमें। तो बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ ये हमारा कैमरा आता है। देखिए 4MP व्यू आपको दिखाएगा, कितना जबरदस्त दिखाता है, चारों तरफ आप इसको रोटेट कर सकते हो एक ही बार में। तो ये रोटेट हो रहा है चारों तरफ अभी। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आती है, जैसे डेफिनेशन की ऑप्शन है, यहाँ पे क्वाड HD, फुल HD और स्टैंडर्ड की ऑप्शन। अभी मैं फुल HD पे कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी और बेहतरीन और जबरदस्त हो जाएगी। देखिए अभी फुल HD पे ये हो चुका है, देखिए कैमरा हमारा बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। साथ में इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे ऊपर देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में स्नैपशॉट का ऑप्शन है, स्नैपशॉट लोगे तो ये स्नैपशॉट भी ले देगा। देखिए तो स्नैपशॉट भी ये कैमरा गैलरी में सेव कर देता है। PTZ पे करोगे तो कैमरा आप ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हो। टॉप पे करोगे तो जो भी बोलोगे वो कैमरा में से आवाज आएगी। अभी मैं आपको बोलकर भी दिखाता हूँ बाहर जा करके, तो आपको अच्छे से सुनाई देगी। डेफिनेशन का मैंने बता दिया। तो ये थी हमारी कैमरा की सारी ऑप्शंस। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ ये हमारा कैमरा आता है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों अगर इस कैमरा के प्राइस की बात करें तो ये कैमरा हम आपको देंगे 4,800 रुपीज में। ये कैमरा प्रोवाइड कराएंगे सबसे कम प्राइस में 4,800 हमें। ऑर्डर करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर इस व्हाट्सएप नंबर जो दिया है इस पर भी आप मैसेज करके ये ऑर्डर कर सकते हो, कोरियर के थ्रू आपके तक पहुंचा दिया जाएगा।
और अगर आपने अपने कहीं ऑनलाइन या किसी भी नियर बाय शॉप से लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लो कैमरा, कोई ऐसा नहीं है कि हम ही से लेना है, कहीं से भी खरीदो। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कॉन्फ़िगरेशन में, इंस्टॉलेशन में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, हमारी टीम तैयार रहती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और प्राइस मैंने आपको बता दिया, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।